साथियों नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम गुरुजी चैनल की वीडियोस में। और आज है 5 मई 2018। हम बात कर रहे हैं डेली करंट अफेयर की। और इस वीडियो की यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो कंप्लीट पीडीएफ फ्री में आपको हमारी वेबसाइट www.examguruji.com से मिल जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है और वीडियो के आखिरी में भी लिंक दी गई है जहां से ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे आज के पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न है कि ईपीएफओ ने किस ऐप के माध्यम से व्यू पेंशन पासबुक सेवा प्रारंभ की है, यानी कि आप अपनी पासबुक को जो है ऑनलाइन देख पाएंगे। और उस जो ऐप है उसका नाम है उमंग ऐप, काफ़ी फेमस ऐप है। यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। सरकार के द्वारा जारी की गई थी नवंबर 2017 के अंदर, और इसमें बहुत सारी अलग अलग सुविधाएं हैं। लगभग 100 से ज़्यादा उनको आप ऑनलाइन उनका प्राप्त कर सकते हैं। क्या क्या है इसके अंदर वो हम चर्चा कर लेते हैं। तो अंशधारक ईपीएफओ के जो अंशधारक होते हैं वो अपनी जो पासबुक की डिटेल्स को है वो देख पाएंगे और उससे उनका बैलेंस भी पता चल जाएगा। और ये जो है उमंग ऐप के द्वारा होगा। चलिए उमंग की बात कर लेते हैं। तो उमंग ऐप जो है उसके अंदर सरकारी विभागों की 100 से ज़्यादा सर्विसेज मिलेंगी। तो देखिए क्या होता है, चीज़ें सिर्फ उमंग ऐप के बारे में ही आपसे पूछा जा सकता है, ईपीएफओ के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो हम ये कोशिश करते हैं कि सारी चीज़ें आपको उसी में मिल जाएँ। कितनी कितनी सेवाएँ इसके अंदर मिलती है, तो 100 से ज़्यादा सेवाएँ इसके अंदर मिलती है। किसने मिलकर बनाया है, तो इसे 3 संस्थाओं ने, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और नेशनल ई गवर्नेंस, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और नेशनल ई गवर्नेंस डिवीज़न, इन दोनों ने मिलकर इसे तैयार किया है। एंड्रॉयड और आईओएस यानी कि एप्पल दोनों के लिए उपलब्ध है ये। और इसके जरिए कौन कौन सी सेवाएं हैं जिनको आप देख सकते हैं, तो पीएफ की अकाउंट की जानकारी, मरीजों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, जन्म प्रमाण पत्र, गैस की बुकिंग, पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना, पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना, नेशनल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, तो इसी प्रकार की बहुत सारी जानकारियां हैं जिनको आप इसमें ले सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, पंजाब और हरियाणा के मुख्य न्यायाधीश कौन बनाए गए हैं। तो पंजाब और हरियाणा का एक ही न्यायाधीश है, चंडीगढ़ में स्थित है मुख्य न्यायालय जो है, और उनके जो मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं वर्तमान में एके मित्तल बनाए गए। लेकिन ये एके मित्तल साहब जो हैं कार्यवाहक हैं, कार्यवाहक मतलब परमानेंट नहीं है अभी। तो न्यायमूर्ति अजय कुमार मित्तल को पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। क्योंकि निवर्तमान, निवर्तमान का मतलब क्या होता है, शब्द कभी कभी ऐसे आ जाते हैं, निवर्तमान मतलब जो फिलहाल थे लेकिन वो या तो रिटायर हो गए या हटा दिए गए। तो निवर्तमान मतलब जो जस्ट थे और अभी जस्ट हटे, तो उन्हें निवर्तमान कहते हैं। निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश जो है SJ वजीफदार जो है वो सेवानिवृत्त हो गए हैं और उनके बाद ये नियुक्ति की गई है। क्यों नियुक्ति की गई है, क्योंकि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश के बाद सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश है कृष्ण मुरारी, उनको बनाया जाना था। और उनकी जो है कॉलेजियम ने सिफारिश भी की थी, लेकिन केंद्र सरकार के पास लंबित है। और हाल ही में आपको पता होगा केंद्र सरकार ने कॉलेजियम की एक और सिफारिश को वापस पहुंचाया है, केम जोसेफ उत्तराखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है। इंदु मल्होत्रा को सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वर्तमान में वकील से सीधा जज बना दिया गया है, और 7वीं महिला जज होंगी ये। वहीं हेमंत गुप्ता जो है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। 15वें वित्त आयोग का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है। तो 15वां वित्त आयोग जो है उसके पूर्णकालिक सदस्य के रूप में अशोक लाहिड़ी को नियुक्त किया गया। ये वर्तमान में जो है सदस्य तो थे लेकिन अंशकालिक थे, यानी पूर्णकालिक सदस्य नहीं थे, और इनको अब ये बनाया गया है। देखिए इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो ये जो है पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार भी रह चुके हैं, ये 15वें वित्त आयोग के पूर्ण सदस्य नियुक्त कर दिए गए हैं। और ये आयोग जो है NK सिंह की अध्यक्षता में आयोग बनाया गया है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और ये अंशकालिक सदस्य के रूप में अभी वर्तमान में कार्यरत थे लेकिन हम पूर्णकालिक सदस्य बन गए हैं। 15वें वित्त आयोग के हम कुछ फैक्ट्स की चर्चा कर लेते हैं। तो अध्यक्ष जो है इसके NK सिंह हैं, और ये जिस कार्यकाल के लिए सिफारिश करेगा वो 2020 से लेकर 2025 का जो कार्यकाल होगा उसके लिए सिफारिश करेगा पंचवर्षीय योजना के लिए। वित्त आयोग क्या होता है, संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्था का मतलब होता है उस संस्था का उल्लेख संविधान में किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख है, होता है अनुच्छेद 280, या और भी डीप में पूछे तो 280(1), यानी कि खंड एक में इसका उल्लेख है। ये हर 5 साल के लिए होता है। और आयोग जो है केंद्र से जो राज्यों को अनुदान मिलता है, अनुदान मतलब जो भी पैसा मिलता है उसका नियम तय करता है कि कितना मिलेगा, किस अनुपात में मिलेगा। और ये जो है अपनी रिपोर्ट कब सौंपेगा, तो अक्टूबर 2019 को रिपोर्ट सौंपेगा। और ये जो केंद्र और राज्य सरकारों के बीच वित्त
घाटे, ऋण स्तर और राजकोषीय जो अनुशासन होता है उसकी मौजूदा जो स्थिति है उसकी समीक्षा भी करता है और उसको कैसे अच्छा किया जाए उसके बारे में सिफारिश भी करता है। और इसकी सिफारिशें जो होती हैं 1 अप्रैल 2020 से लागू होंगी, जो 5 साल दो यानी कि 31 मार्च 2025 तक के लिए रहेंगी। तो काफ़ी सारी जानकारी इसमें मिल गई 15वें वित्त आयोग की आपको। अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है कि महाराष्ट्र ने कौन सी ऐसी एप्लीकेशन लॉन्च की, मौसम सूचना मोबाइल ऐप का नाम क्या है जो लॉन्च की है महाराष्ट्र ने, और उसका नाम है महावेद। महावेद याद रखिएगा, देवेंद्र फडणवीस जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। और ये जो है मौसम की पूर्व सूचना देती है, खासकर किसानों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, और ये जो है मौसम किसानों को मौसम से संबंधित जानकारी प्रदान करती है। एप्लीकेशन में जो है तापमान, नमी और 15 दिनों के पूर्वानुमान वास्तविक समय की जानकारी भी प्रदान ये करती है। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, राज्यपाल है श्री सी विद्यासागर राव या चौधरी विद्यासागर राव। अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं कि किस भारतीय अमेरिकी महिला को अमेरिका में अंतरिम सिविल कोर्ट जज नियुक्त किया गया है। तो याद रखिएगा, ये जो महिला हैं दीपा आंबेकर है, और दीपा आंबेकर को नियुक्त किया गया है अमेरिका में सिविल कोर्ट की जज के रूप में। और इससे पहले राजा राजेश्वरी जो थी वो इसी कोर्ट के अंदर पहली भारतीय महिला थी, चेन्नई की रहने वाली थी ये पहली भारतीय महिला थी जिनको कि ये कोर्ट में कोर्ट के अंदर अमेरिकी कोर्ट के अंदर जज नियुक्त किया गया था। अभी वर्तमान में कौन है, दीपा आंबेकर। और न्यूयॉर्क सिटी का जो सिविल कोर्ट है उसके अंतरिम जज के रूप में नियुक्त किया गया है। इससे पहले जो है चेन्नई की राजा राजेश्वरी पहली भारतीय महिला थी जो इस पद पर थी। और सिविल कोर्ट में नियुक्ति की गई जो आंबेकर हैं वो क्रिमिनल कोर्ट में अपनी सेवाएं देंगी, जो वहाँ का सिविल कोर्ट का क्रिमिनल कोर्ट है उसके अंदर। और न्यूयॉर्क सिटी काउंसिल के साथ 3 साल तक सीनियर लेजिस्लेटिव अटॉर्नी और सार्वजनिक सुरक्षा समिति के वकील के रूप में इन्होंने कार्य किया है, कर चुकी है ये। 6वें प्रश्न की बात कर लेते हैं। भारत जो है रविंद्रनाथ टैगोर जी की 157वीं जयंती मनाने के लिए किस देश में 5 दिवसीय सांस्कृतिक आयोजन करेगा, और ये जो है मिस्र के अंदर ये आयोजन किया जाएगा। मिस्र की राजधानी काहिरा है, और इसके अंदर जो है भारत का जो दूतावास है कायरो भी कहा जाता है, काहिरा भी कहा जाता है, कायरो कहा जाता है। तो भारतीय दूतावास की सांस्कृतिक शाखा है मौलाना आज़ाद सेंटर फॉर इंडियन कल्चर। तो ये भी प्रश्न बन सकता है कि मौलाना आज़ाद सेंटर फॉर इंडियन कल्चर जो है कहाँ की सांस्कृतिक शाखा है, किस भारतीय दूतावास की सांस्कृतिक शाखा है, तो कायरो या मिस्र की शाखा है। और इसके अंदर जो एक चित्रकला है डॉक्टर रविंद्र माफ़ कीजिएगा रविंद्रनाथ टैगोर की, तो रविंद्रनाथ टैगोर रिदम इन कलर्स, और इसको जो है गीजा में अहमद शाकवी संग्रहालय के अंदर जो है उसके अंदर आयोजित किया जाएगा। मिस्र के बारे में बात कर लेते हैं। राजधानी काहिरा, मुद्रा है पोंड, और मिस्र के राष्ट्रपति हैं अब्दुल फतेह अल सीसी। और अगर हम बात करें रविंद्रनाथ टैगोर की, तो रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से जाना जाता है। 1913 में, इनको याद रखिएगा, 1913 में साहित्य का नोबेल प्राइज़ मिला था, और ये पहले एशियाई थे जिनको कोई जो है नोबेल प्राइज़ मिला था। तो और इनके लिखे गए 2 गीत जो है दो अलग अलग देशों के राष्ट्रगान भी, जैसे भारत का भी है और बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं कि FDI विश्वास सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या रही है। तो FDI विश्वास सूचकांक के अंदर जो भारत की रैंकिंग है वो 3 नीचे गिर गई है, और अब भारत टॉप 10 से बाहर होकर 11वीं रैंकिंग पे पहुंच गया है। डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। तो 2018 की जो रैंकिंग जारी की गई है उसमें 3 स्थान लुढ़क गया है, 11वें स्थान पर पहुँच गया है। और ये सूचकांक कौन जारी करता है, तो ये सूचकांक जो है वैश्विक सलाहकार कंपनी है जिसका नाम है एटी किरने के द्वारा इसे जारी किया जा सकता है। ये भी प्रश्न बन सकता है। और 2 साल में सुधार के बाद ये जो 3 स्थान लुढ़क गया, 2015 में पहली बार था जब भारत शीर्ष 10 की सूची से बाहर हुआ था। ये इसमें इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। विश्व रैंकिंग में शटलर श्रीकांत किस स्थान पर पहुंच गए हैं, आपको ने पहले देखा होगा कि वर्ल्ड नंबर 1 बन गए थे श्रीकांत जो है, लेकिन अब जो है वर्ल्ड नंबर 1 से ये जो है पोजीशन खो दी है, तो 5वें पहुंच गए थे, 5वें के बाद अब ये 3रे पे आ गए हैं, यानी काफ़ी फ्लक्चुएट कर रही है इनकी पोजीशन। डिटेल में हम चर्चा कर लेते हैं। और साथ ही सायना नेहवाल जो है भारत की हैं वो टॉप 10 में आ गई हैं, 10वें नंबर पर आ गई हैं, जबकि किदाम्बी श्रीकांत जो है 2 स्थान उठकर 3रे स्थान पर पहुंच गए हैं। पहले वर्ल्ड नंबर 1 पहुंचे थे, फिर 3रे स्थान पर पहुंच गए हैं, और सायना को 2 स्थान का फायदा हुआ है। वहीं PV सिंधु 3रे स्थान पर कायम है, और ताइपे की तेयू जिंग जो है वो पहले स्थान पर फिर से आ गई हैं, और 2रे स्थान पर है अकाने यामागुची जो कि जापान की रहने वाली हैं। और जो
श्रीकांत है, किनामी श्रीकांत, इनको जो है अभी हाल ही में जो है डिप्टी कलेक्टर का पद दिया गया है। तो डिप्टी कलेक्टर का अपने गृह जिले के अंदर ही इनको पद दिया गया है, और ये भी आप इसको याद रखिएगा। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के जो नए कोच नियुक्त किए गए हैं वह है जस्टिन लैंगर। और क्यों नियुक्त किए गए हैं इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो डेरेन लेहमैन जो थे वर्तमान में कोच थे, और जो बॉल टेम्परिंग की जो घटना हुई है, बॉल से छेड़छाड़ की साउथ अफ्रीका के अंदर, उसकी सारे विवादों को लेकर फिर इन्होंने क्या है वहाँ से इस्तीफा दे दिया था। तो जस्टिन लैंगर को क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की नेशनल टीम का कोच बनाया गया है। बॉल टेम्परिंग मामले में जो है डेरेन लेहमैन, इनके स्थान पर लैंगर को नया कोच बनाया गया है, और लेंगर जो है 22 मई से ऑस्ट्रेलिया कोच का कार्यभार संभालेंगे। 4 साल तक इस पद पर रहेंगे। इसमें जो है 2 SH सीरीज होगी। SH सीरीज को याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में SH का जो है टेस्ट मैच की सीरीज होती है। SH ये एक प्रश्न बना है, कई बार बना है। इस बीच में वर्ल्ड कप भी होगा और T20 विश्व कप भी होगा। T20 विश्व कप 2020 का जो है वो ऑस्ट्रेलिया में ही होना है, और 2021 के अंदर जो है वो इंडिया में होना है। ये आप इस चीज़ को याद रखिएगा। उसका नाम पहले T20 चैंपियनशिप से T20 विश्व कप नाम चेंज भी हुआ है हाल ही में इसका। अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र किस केंद्रीय मंत्रालय के अधीन अपनी सेवाएं देता है? तो ये जो है जो अपनी सेवाएं देता है, ये देता है केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत अपनी सूचना देता है। क्या है इसकी डिटेल, इसकी हम चर्चा कर लेते हैं। इसका जो है शॉर्ट नाम है ESSOINCOIS। भारत सरकार का स्वायत्त संगठन है जो केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन सेवाएं देता है। 3 मई 2018 को इसने एक सूचना दी थी, और इसने के केंद्र ने वैज्ञानिकों ने अपनी अध्ययन रिपोर्ट में बताया था कि अरब सागर की हानिकारक शैवाल है, शैवाल का नाम है नोक्टिलुका शैवाल, और ये जो है ग्लोबल वार्मिंग को उत्तरदायी जो है इसका घोषित किया गया है, यानी ग्लोबल वार्मिंग के कारण ये शैवाल जो बढ़ रही है। यहाँ पर हाल ही में जो है मुंबई के अंदर देखा गया है कि जो निकटवर्ती इलाका उसमें रात्रि के समय नोक्टिलुका शैवाल जो है चमकती हुई दिखाई देती है। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र की बात करें तो इसकी स्थापना जो है 1999 में की गई थी। तो ये थी जानकारी आज के करंट अफेयर की। आई होप कि ये वीडियो होगा आपके लिए उपयोगी, आपको पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ताकि सभी लोगों को अच्छी जानकारी जो है मिल सके, और सभी तक इस वीडियो की PDF जो है उसको ज़रूर शेयर करें। सभी ग्रुप में आप शेयर करें। आज की बात करेंगे हम यहीं समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।